श्री राम समर्थ दिसंबर 3। नाम यह राम बाण की तरह है बच्चों, जिस पर किसी की सत्ता नहीं चलती, जो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, जो जाते समय किसी की समझ में नहीं आता, जो कितना गया और कितना बचा है इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, जो गया कभी वापस नहीं आता और जो भगवान के सिवाय और किसी से डरता नहीं, उस काल ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। जिस काल की सत्ता से वस्तु आकार धारण करती है, उस काल की सत्ता से वह अचानक टूट भी जाती है। सभी दृश्य वस्तुओं पर यह नियम लागू है, फिर अपनी देह इस नियम से कैसे बचेगी? किंतु जो भगवान को कस कर पकड़ लेता है, उसकी देह चाहे रहे चाहे जाए, उसकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः इसके बाद कोई कहने वाला मिले या न मिले, तुम सब नाम लिए बिना मत रहो। जो भगवान का नाम लेगा उसका राम कल्याण करेंगे, यह मेरा कहना सच मानो। किंतु भगवान को मत भूलो, यही मेरा आग्रह है। उसके स्मरण में आनंद से दिन व्यतीत करो। नाम ठीक राम बाण के समान है। राम बाण यानी ठीक काम करने वाला बाण, अपने लक्ष्य तक अचूक जाने वाला यह बाण फिर लौटकर तरकश में बैठ जाता था। राम नाम यह राम के पास रहने वाला और अचूक राम के पास जाने वाला एकमात्र साधन है। सचमुच नामस्मरण का अभ्यास एक दृष्टि से बहुत सरल है, उसे किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं होती, उसका कोई निश्चित समय नहीं है, उसके लिए स्थान का और देह की अवस्था का कोई बंधन नहीं है। जब तक जीव होश में है तब तक नाम लिया जा सकता है, किंतु दूसरी दृष्टि से नामस्मरण का अभ्यास कठिन है। उपाधि के बिना हमारे मन को चैन नहीं आता और उपाधि में हमारा मन रम जाता है। नाम में अपना कोई स्वाद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नामस्मरण किया तो उसे जी उबने लगता है। इसलिए नाम में मन लीन होना बड़े भाग्य की बात है। जिसका मन नाम में लीन होने लगा या रंगने लगा तो ऐसा समझे कि उसे अपना विस्मरण होने लगा। जिसका चित्त पूरी तरह नाम में लीन हो जाता है वह अपने को पूरी तरह भूल जाता है और उसे भगवान का दर्शन होता है। असल में नाम का चस्का लगना चाहिए। एक बार यह चस्का लग गया तो फिर संसार का सारा वैभव तुच्छ लगने लगता है। यह बाजार जो मैं खोल के बैठा हूँ यह उसी के लिए है। हर आदमी को नाम का चस्का लगे, इसके लिए मेरा प्रयत्न लगातार जारी है। कोई तो उसका अनुभव करने को तैयार हो जाओ। राम उसके पीछे खड़े हैं, इसका विश्वास करो। सब सच्चे मन से नामस्मरण करो। आज का मुख्य विचार, नाम में लीन होने तक नाम लो, लीन होने पर वह छूटेगा ही नहीं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।